हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फन टेक। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को विंडोज़ के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे टास्क बार में बहुत सारे एप्लीकेशन पिन हुए हैं। इसमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो लेफ़्ट टू राइट नंबर के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ये अगर पहले नंबर पे है तो मुझे विंडोज़ के साथ 1 बटन प्रेस करने हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ 2 बटन प्रेस करना है। मतलब जितने भी एप्लीकेशन हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन कर सकते हैं विंडोज़ के कॉम्बिनेशन के साथ। दोस्तों, अगर आप फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप विंडोज़ के साथ ई बटन प्रेस करें और आप दिस पीसी पे यहाँ क्लिक करके आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं। इसमें आप कोटाना को लिसनिंग मोड में ओपन कर सकते हैं, वो भी कीबोर्ड से। इसकी शॉर्टकट की है Windows+C, यानी विंडोज़ के साथ अगर सी को आप प्रेस करते हैं तो कोटाना आपको लिसनिंग मोड में ओपन हो I can't जाती है। connect at the moment. तो अगर आप विंडोज़ सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ आई बटन प्रेस करते ही आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप विंडोज़ की सेटिंग्स को भी शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। इस शॉर्टकट का यूज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी टाइप कर, जैसे कि मान के चलिए मैं गुड मॉर्निंग टाइप किया और इसके साथ कुछ अपना फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं इमोजी इंसर्ट करके, तो आप यहाँ विंडोज़ के साथ फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे इमोजी यहाँ आपको दिख जाएंगे। इसमें से आप किसी भी इमोज को यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसमें आपको सिंबल भी मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना। तो इस तरह आप सिंबल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों एक्शन सेंटर की, जिसको आप विंडोज़ के साथ ए बटन प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप वाईफाई, ब्लूटूथ, टैबलेट मोड इमीडिएटली ओपन कर सकते हैं विंडोज़ ए के साथ। जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एक बार में बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करके रखे हैं तो एक एक करके अगर आप सारे एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अल्ट के साथ और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप एक एक करके आप अपने जिस विंडो में जाना चाहते हैं उस विंडो में आप आसानी से जा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इसमें से कुछ देख करके इसमें टाइप करना है तो इस तरह से दिक्कतें आती रहती है, जैसे आप इस पे टाइप करते तो ये बड़ा हो जाता है और इस पे टाइप करते तो ये बड़ा हो जाता है। ऐसे में विंडो का बड़ा छोटा होना बहुत ही दिक्कत करता है। इसी को दूर करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर दोनों विंडो को आप डिस्प्ले के बराबर बराबर हिस्से में बांटना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट की है दोस्तों विंडोज़ के साथ लेफ़्ट राइट एरो की, यानी कि अगर इस पे क्लिक है आप इस पे क्लिक किए हुए हैं और इसको क्लिक करके आप इसको राइट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ राइट बटन प्रेस करें और इसके बाद विंडोज़ पे यानी कि नेक्स्ट विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें से आप कुछ भी देख करके आप इसमें आसानी से टाइप कर सकते हैं, है ना दोस्तों, बड़े कमाल की शॉर्टकट। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट आ जाते हैं जिसको हमें
देखने के लिए मैग्नीफायर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैग्नीफायर के लिए एक शॉर्टकट की है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ प्लस का बटन आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीफायर यहाँ लॉन्च हो रही है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से आप माइनस बटन प्रेस कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की विंडोज़ के साथ माइनस की भी है, विंडोज़ प्लस विंडोज़ माइनस। ये जूम इन जूम आउट का काम करता है। दोस्तों ये जो शॉर्टकट की है ये आपकी बहुत काम आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है उस किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से, तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो टास्क मैनेजर में जाने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करते ही आप टास्क मैनेजर की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कितना बिजी है, आपके कौन से एप्लीकेशन कितने कितने कितना कितना सीपीयू कितना रैम यूटिलाइज कर रहा है और कहाँ बिजी है, और जिस एप्लीकेशन पे आपको प्रॉब्लम लगे उसे आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से इंड टास्क पे क्लिक कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखा दोस्तों आपकी काम का चीज़ है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट तो हो चुकी है लेकिन ये एक क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाती है। इसको अगर आप कहीं सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप जैसे कि कोई भी इमेज सपोर्टेड एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, जैसे मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके अगर आप पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ ये पिक्चर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको कहीं भी स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर यहीं पे हम करते हैं विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन और यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, अब देख सकते हैं कि ये पिक्चर भी यहाँ आ चुकी है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट है, अगर आपके सामने बहुत सारे विंडोज़ इस तरह से ओपन रहते हैं एक बार में ही, अगर आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है विंडोज़ डी। विंडोज़ डी आप प्रेस करते ही आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे, और फिर से अगर वहीं जाना है तो आपको विंडोज़ डी फिर से प्रेस करना। बहुत सारा वर्क करते रहते हैं, थोड़ी देर आप आराम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस बीच हमारे कंप्यूटर को कोई ओपन ना कर सके, तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर को लॉक करके जा सकते हैं। और लॉक करने के लिए शॉर्टकट की है विंडोज़ एल। विंडोज़ के साथ अगर एल बटन प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने और एक बात, इस वीडियो में जो भी शॉर्टकट आपको बहुत पसंद आया हो या फिर सबसे अच्छा लगा हो उस शॉर्टकट के बारे में आप कमेंट ज़रूर करें, हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।